हेलो फ्रेंड्स, मीराज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं क्रिस्पी क्रंची पापड़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने एक कप मैदा लिया हुआ है। अब इसमें हम एक से एक छोटा चम्मच जो है वो डालेंगे ऑनियन सीड्स। ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसे मंगरेल या कलौंजी भी कहते हैं। तो अब हम ऐड कर लेंगे साल्ट 1 टीस्पून, और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप जो खाते हो उसे ही डालें। तो इस तरह से हम सारे को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये मुट्ठी जैसा बनने लगे, और लगे आपको कि ऑयल कम है थोड़ा, तो आप उसे भी थोड़ा डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट या हल्का सा टाइट डो तैयार करेंगे, जैसा कि हम नमक पारे के लिए बनाते हैं, ठीक उसी तरह से। ये हमारा डो तैयार हो चुका है, टाइट डो हम बना के रखे हैं। अब इसे हम ढक देंगे लगभग 10 से 20 मिनट के लिए। 10 से 20 मिनट हो गया है। अब इसकी हम बॉल बना लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे इक्वल भाग में। तो ये हमारा 3 डो बॉल जो है बन रहा है। तो इसमें हम इसे बेल लेंगे जैसे रोटी हम बेलते हैं। अगर अनइवन देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी इसे बेल लीजिए। इस तरह से हम इसकी चपाती जैसा तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से हम तीनों को तैयार करेंगे। और अब हम एक चपाती लेंगे, इस पर हम ये ब्रश से हम ग्रीस कर लेंगे, और इस पर हम अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। किनारे किनारे भी हम ऑयल को लगाएंगे, और इस पर हम डस्ट कर लेंगे मैदे को, और पूरी तरह से हम फैला देंगे इसे। ये हमारा एक तैयार हो गया है। अब इसी के ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे, और फिर से हम इसे ग्रीस करेंगे ब्रश से। इस तरह से हम ऑयल को पूरी रोटी पे लगा लिए हैं, खासकर किनारों पे हमें ज़रूर ऑयल को लगाना है। और फिर हम मैदे को फिर इसे एक बार डस्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर तीसरी रोटी रखेंगे, और इसे अब हम बेल लेंगे, और इसे हम पतला बेलेंगे। अगर आपको बेल इसमें चौके पे नहीं आ पा रहा है, तो आप दूसरे पर भी बेल सकते हैं, जो चौड़ाई जिसकी ज़्यादा हो। हमें भी दूसरे पे ही बेलना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत बड़ा सा बेलना है, इसलिए हमने थाली ले ली है, और ये पतला सा हमारा रोटी बेल के तैयार है। अब हम इसे गरम तवे पे सेकेंगे। हमें बस उतना ही सेकना है कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है, और ये देखिए एकदम से पकने जैसी हो गई है। तो बस इतना ही हमको पकाना है, और इसे हम अब जब ये पक जाए तो निकाल लेंगे, हटा देते हैं, और थोड़ी देर के बाद इसके हम लेयर्स को निकालेंगे। हल्का सा इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि थोड़ा गर्म है, इस तरह से हम इसके लेयर्स को निकाल लेंगे। बहुत देर हमें नहीं करना है, बस मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे इस तरह से लेयर को निकालेंगे। हमारी तीनों लेयर अलग अलग हो चुकी हैं। अब हम इस तरह से ले करके इसके अनइवन किनारों को इस तरह से निकाल देंगे, और इसकी हम पतली पतली पट्टियां बनाएंगे। ये इतनी चौड़ी हम इसकी पट्टियां बना लेंगे, और इस तरह से हम स्क्वायर में से काट लेंगे। इसी तरह से हम सारे रोटियों को, और देख सकते हैं आप कितनी इसकी पतली पट्टी तैयार है। ये बहुत ही अमेजिंग सा आता है इसको तलने के बाद। तो ये हमारी पूरी पट्टी जो है बनके तैयार है, और इधर हम किनारे को भी फेंकेंगे नहीं, उसे भी हम तलेंगे। तो हमारे ये किनारे कटे हुए हैं। अब तेल हमारा गर्म है, हमने पहले हाई हीट पे रखा था, इसे गर्म कर लिया था। जब हमें तलना हुआ तब हम फ्लेम को लो कर देंगे, लो टू मीडियम पे रखेंगे, और
इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। इसे फ्राई करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो आप इस तरह से इसे चलाते रहें। जैसे हल्का सा ये ब्राउनिश आने लगे तुरंत हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस वाइटिश ही रहे। हम इसे सेकेंगे अगर लो टू मीडियम पे तो ये बहुत ही क्रिस्प बन के आएगा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये नमक पारे से कहीं ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी इजी और कितना जल्दी तैयार हुआ। तो ये सारे हमारे पापड़ी बन के तैयार है। इधर हमने किनारों को भी कर लिया है, तो बहुत ही क्रंची बना है। आप इसे चाय के साथ सुबह शाम कभी भी लीजिए, बहुत ही इन्जॉय करेंगे। तो अब हम सीजनिंग तैयार कर लेते हैं। हम मारा भाई पापड़ी गर्म ही है तभी हम सीजनिंग को उसमें ऐड करेंगे। हमने लिया है नमक, काला नमक, जीरा, अमचूर पाउडर और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ले लेंगे। आप चाहें तो ये सब ना लेकर के आप चाट मसाला से ही काम चला सकते हैं। अब इसमें हम तुरंत इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हल्का सा पापड़ी हमारी गर्म है तो इस पर कोट हो जाएगी, अगर ठंडा हो जाएगा तो कोटिंग जो है झड़ जाएगी, इसलिए इस ठंड थोड़े हल्के गर्म में ही इसे आप मिलाएं। और ये लीजिए हमारी पापड़ी बनके तैयार है। आप इसे इंजॉय कीजिए चाय के साथ और बताइए कि ये हमारी पापड़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।